पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हायर ने अपने सरकारी आवास पर भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जल्द ही ओलंपिक पदक विजेता हॉकी खिलाड़ियों को पहली कक्षा की नौकरी के नियुक्त पत्र सौंपेंगे। मीत हायर ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब को खेलों में अग्रणी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी और हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाला पंजाब इस खेल में देश का नेतृत्व करता रहेगा। उन्होंने राज्य में हॉकी को और बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों से सुझाव भी मांगे। खेल मंत्री ने हॉकी के बुनियाद ढांचे को मजबूत करने और राज्य में हॉकी लीग शुरू करने के संबंध में भी विचार विमर्श किया। मीत हायर ने कहा कि पंजाब के लिए गर्व की बात है कि टीम में कप्तान समेत राज्य के 10 खिलाड़ी हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को इस साल होने वाले एशियाई खेलों और अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए शुभकामनाएं भी दी। विश्व कप में नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आने पर खिलाड़ियों को हिम्मत नहीं हारने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि जीत हार खेल का हिस्सा है। भारतीय हॉकी खिलाड़ियों से बात करते हुए खेल मंत्री ने कहा, आप हमारे गौरव हैं और युवाओं के लिए एक आदर्श है, इसलिए हमारे युवा खिलाड़ियों पर आपका बहुत प्रभाव है, इसलिए आपको अपने क्षेत्र में नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आपका प्रोत्साहन बच्चों के लिए समर्थन के रूप में काम करेगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।